लाइफ से मैं अब्दुल शेख। अभी हम खड़े हैं यहाँ पर आरती नगर चौक पे, जहाँ पर माननीय पालक मंत्री नितिन राउत जी की तरफ से यहाँ पर कोविड सेंटर खोला गया है। संकल्प स्वयंसेवी सामाजिक संस्था और नागपुर शाहीनबाग संस्था आरती नगर यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर जो खोला गया है। तो आइए हम जानते हैं कि यहाँ पर जो सदस्य है कोविड वार्ड के अंदर, तो यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी है, जो स्कोर है पेशेंट का, वो पेशेंट को यहाँ पर कितने परसेंट वाले पेशेंट को यहाँ पर एडमिट कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या क्या सुविधा है, और डॉक्टर और नर्स यहाँ पर कितने हैं, आइए हम जानते हैं। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर सर शाहीनबाग के जो शाहीनबाग कमेटी के जो अध्यक्ष है जनाब वासिफ मौलाना साहब है, और कांग्रेस कमेटी के समय अध्यक्ष है, युवा अध्यक्ष जो इशार शेख साहब है, यहाँ पर जलीम अंसारी साहब है। और जानते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले कि यहाँ पर बेड कितने बेड की सुविधा है यहाँ पेशेंट की, और यहाँ पर कितने परसेंट जो स्कोर है, कितने स्कोर के समय यहाँ पर पेशेंट रहेंगे, और यहाँ पर क्या क्या सुविधा है। आइए अब हम देखते हैं ऊपर आपके जो बेड की सुविधा क्या है। ये देखिए यहाँ पर बेड की तादाद काफ़ी है। यहाँ पर नीचे के जो हॉल है, नीचे के हॉल में यहाँ पर कम से कम 40 बेड है। यहाँ पर अभी यहाँ के जो सभी कार्यकर्ता है उन्होंने बताया कि यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए इधर से पूरा यहाँ पर आइए, ये देखिए यहाँ पर ये 3800 बेड है, और एक दो बेड अभी यहाँ पर और लगेंगे, मतलब यहाँ पर टोटल 40 बेड है। और अब हम जानते हैं जनाब इरशाद शेख साहब से, अभी उनके साथ में हम ऊपर चलते हैं, ऊपर का जायज़ा लेते हैं कि ऊपर कितने बेड है। डॉक्टर्स के लिए भी हमने सुविधा दी है यहाँ पे। हाँ, ये डॉक्टर्स के रूम वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है। हाँ, आइए देखते हैं यहाँ पर ये डॉक्टर्स के लिए रूम अवेलेबल है यहाँ पर। आइए ये देखिए यहाँ पर डॉक्टर साहब यहाँ पर चेकअप करेंगे पेशेंट का, और यहाँ पर नर्स भी है। और कितने नर्स हैं? हाँ, कितने नर्स है अभी यहाँ पर अवेलेबल? दो डॉक्टर और दो नर्स अभी अवेलेबल है। 8-8 घंटे में चेंज कर रहे हैं, 8-8 घंटे में इनकी डॉक्टर की और नर्स की ड्यूटी। हाँ, ऊपर का जायजा लेते हैं हम कि ऊपर कितने बेड है। नीचे तो हमने 40 बेड का जायजा ले लिया, नीचे 40 बेड है, इनकी सुविधा क्या क्या है, और डॉक्टर और नर्स की जो टीम है यहाँ पर जैसा बताया कि रिशा साहब ने कि यहाँ पर इनकी 8-8 घंटे की ड्यूटी रहेंगी। 8-8 घंटे की ड्यूटी के बाद में मतलब उनका स्टॉफ बदलता रहेगा, और यहाँ पर देखभाल का पूरी तरह से मतलब ख्याल रखा जाएगा। जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी मतलब खुशी की न्यूज़ है कि उनको इधर उधर ना भटकते हुए यहाँ पर एक कोविड सेंटर में खोले जाए। हाँ, इसके लिए यहाँ पर्दे का पूरा इंतजाम किया गया है। ये देखिए आप, ये पूरा पर्दा दिख रहा है। हाँ, पर्दे के बाद में फिर हम अंदर के बेड आपको दिखाएंगे। आइए, ये रिसेप्शन सेंटर जो लेडीज़ के लिए है सर। हाँ, उसके बाद में ये पर्दे का हमने पूरा इंतजाम किया है लेडीज़ के लिए। ये इधर भी बेड है अंदर, देखिए ये डॉक्टर के लिए है। इसमें जैसा आपको बताया था 30 बेड लेडीज के लिए जी सर अवेलेबल किया है। हाँ हाँ, नीचे तो जो जेंट्स के लिए है अपने देखे वो 40 बेड है। अब आइए हम देखते हैं यहाँ पर जो लेडीज के लिए 30 बेड बताए जा रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर लेडीज के लिए भी काफ़ी अच्छा इंतजाम किया गया है। यहाँ पर जैसा पार्टीशन किया गया है, लेडीज़ को मतलब किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, वो अपने हिसाब से आराम कर सकती है, ताकि कोई जेंट्स भी आए तो बीच में मतलब ये पार्टीशन किया गया है, पर्दे टाइप में लगाया गया है। यहाँ पर किसी चीज़ की कोई तकलीफ होने का काम नहीं कोई लेडीज़ को। हाँ, डॉक्टर्स और पेशेंट्स और वॉलेंटियर्स है ना, तो इसमें पूरी मतलब सिक्योरिटी लोगों को मिलनी चाहिए, इसलिए हमने एक इमरजेंसी एग्जिट और एक डॉक्टर की एग्जिट रखी है, ताकि पेशेंट अलग तरीके का रूट अपनाए और डॉक्टर अलग तरीके का रूट अपनाए, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट दोनों में ना हो, कोरोना फैलने की जो स्थिति है वो डॉक्टर भी उससे सुरक्षित रहे, वॉलेंटियर्स भी उससे सुरक्षित रहे, इस चीज़ का भी पूरा खास हमने इंतजाम यहाँ पे किया है। सोशल डिस्टेंस का हमने ज़्यादा ख्याल रखा है, आप देखिए बेड भी हमने सोशल डिस्टेंस के हिसाब से रखा है, नीचे के भी बेड हमने सोशल डिस्टेंस के हिसाब से रखा है, और काफ़ी चीज़ों की हमने यहाँ सुविधा दी है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अगर गर्मी के हिसाब से हमने फ़ैन वगैरह कूलर्स वगैरह सभी अवेलेबल है यहाँ पे, और टैबलेट दवाइयाँ कुछ दो मशीनें
दो मशीनें ऑक्सीजन की है, यहाँ पे ऑक्सीजन की भी हमने मशीनें यहाँ पे रखी है और काफ़ी चीज़ों की हमने फैसिलिटीज़ के हिसाब से किया है। और जैसा भी इन्होंने बताया कि एंट्री एग्जिट जो हमने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से कि कोई चीज़ की तकलीफ ना जाए करके, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी मतलब पेशेंट को सुविधा मिलेंगी और बाकी बेड को मतलब बहुत डिस्टेंस रखे आपने, यहाँ पर फैन वगैरह सब मतलब लगे हुए हैं, पेशेंट को किसी किस्म की तकलीफ ना हो या लाइट का बंदोबस्त है, किसी भी तरीके से कि अनहोनी ना हो इसका खास ख्याल करते हुए इलेक्ट्रिकल एंड फायर ऑडिट यहाँ का हो चुका है और यही एकमात्र ऐसी क्वारंटाइन सेंटर है नागपुर शहर में जिसमें आपको फायर सेफ्टी का खास इंतजाम देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी आजकल हॉस्पिटल के अंदर हम आग की रिपोर्ट बहुत सुन रहे हैं कि जैसा थाना के अंदर अभी आग लग गई थी हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ पर चार मरीज की मृत्यु हो गई, उसके बाद में और हमने दूसरे शहरों के अंदर की भी न्यूज़ सुने वहाँ पर भी मृत्यु हो गई, तो यहाँ पर खास तरह से मतलब ख्याल रखा गया है। ये देखिए आप ऊपर ये फायर सिस्टम का भी मतलब ख्याल लिया है कि अगर से कुछ अनहोनी हो जाए तो यहाँ पर वो सिस्टम पूरा तैयार है कि यहाँ कोई पेशेंट को हानि ना हो या यहाँ पर के जो काम करने वाले जो वॉलेंटियर है डॉक्टर है नर्स है किसी को भी कोई हानि ना हो। तो यहाँ पर जो कोविड वार्ड खोला गया तो लोगों तक ये मैसेज आप क्या देना चाहेंगे कि लोगों को यहाँ पर क्या फैसिलिटी मिलेगी और लोगों ने यहाँ पर आके मतलब क्या फ़ायदा उठाना चाहिए, आप ये लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले देखिए आज 26,000 से ज़्यादा आज टेस्टिंग हुई जिसमें 7,000 से ज़्यादा आज लोग पॉजिटिव मिले और एक आंकड़े के अनुसार 85 डेट आज हमारे नागपुर शहर में हुई। तत्कालीन मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे ने क्वारंटाइन सेंटर स्टार्ट किया था, हॉटस्पॉट जैसे एरिया स्टार्ट किया था तो शुरुआत में नागपुर में पॉजिटिव केसेस कम मिलने लगे थे लेकिन जब स्थिति सुधरने लगी लेकिन बाद में जब जो स्थिति है आज जो पॉजिटिव केसेस बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं डेट बढ़ते जा रही है, ऐसे में उत्तर नागपुर के हमारे विधायक और माननीय पालक मंत्री इनका जो फाउंडेशन है संकल्प फाउंडेशन और हमारी शाहीनबाग नागपुर शाहीनबाग कमेटी के जरिए उत्तर नागपुर का जो एरिया है वो स्लम एरिया है, यहाँ पर बहुत छोटे छोटे मकान है तो अगर इसमें अगर कोई पॉजिटिव आता है कोई पॉजिटिव केस मिलता है तो उसे अलग रहने की व्यवस्था नहीं होती, अलग बेड की व्यवस्था नहीं होती, एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत उसे होती है लेकिन नहीं मिल पाता। तो ये जो क्वारंटाइन सेंटर स्टार्ट किया गया है इसमें हमारे उत्तर नागपुर के जो क्षेत्र के जो भी लोग हैं जिसमें महिला पुरुष के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है 40 बेड नीचे पुरुषों के लिए और प्रथम मंजिले पर जो है 30 बेड लेडीज़ के लिए, तो जिस तरीके से क्वारंटाइन सेंटर यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं आपको मिलेंगी, जिस तरीके से जो प्रथम उपचार जिसे कहा जाता है मेडिसिन अगर कोई पॉजिटिव आता है उसे जबकि जब अगर उसने उपचार किया तो ठीक लेकिन जब उसका अगर वो उपचार ना करे केयर ना करे तो उसका एचआर चेस्ट जो रहता है वो एचआर सिटी उसको बढ़ते जाता है ऑक्सीजन लेवल गिरते जाता है वो केयर नहीं करता है, लेकिन जैसे ही वो कोविड पॉजिटिव आया और यहाँ के जिम्मेदार डॉक्टर और जिससे भी मिले और यहाँ पर अगर क्वारंटाइन हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात उसके लिए हो सकती है, इसीलिए शाहीनबाग कमेटी ने उत्तर नागपुर के क्षेत्र के लोगों का ख्याल करते हुए यहाँ पर ये बनाया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से नागपुर शहर महानगर पालिका को ये मैसेज देना चाहूँगा कि जिस तरीके से सैनिटाइज़र का बहुत बड़ा मुद्दा है आज हमारे नागपुर शहर में, इतने पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं डेट बढ़ते जा रही है, शमशान घाट में लाशों के लिए लाइन लग रही है हर तरफ यानी लाश ही लाश दिख रहे हैं, ऐसे समय में हम सैनिटाइज़र नहीं कर रहे बस्ती को और ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर बस्ती से घर चिपक के है एकदम जो घनत्व है जनसंख्या का हमारे उत्तर नागपुर में बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में अगर महानगर पालिका इसे दुर्लक्षित करती है सैनिटाइज़र नहीं कर रही है तो ये बहुत बड़ी दुविधा है हमारे नागपुर शहर के लिए। तो सर ये सैनिटाइजर का काम तो समझना मनपा का है सर और आप ये चाहते हैं कि मनपा यहाँ पर हर एरिए में आके सैनिटाइज करे तो आप मनपा से मतलब क्या क्या और बोलना चाहेंगे? हम शाहीनबाग कमेटी और संगल फाउंडेशन के जरिए आसीनगर जोन में जाएंगे, वहाँ के माननीय सहायक आयुक्त से निवेदन करें कि आप हमारे उत्तर नागपुर के क्षेत्र में सैनिटाइजर करें जिससे कि कम से कम थोड़ी बहुत तो राहत मिलेंगी और हम यहाँ पर जो ये क्वारंटाइन सेंटर है इस्लामिक कल्चरल सेंटर यहाँ पर हमने बहुत अच्छी व्यवस्था रखी है, यहाँ पर डॉक्टर है और आने वाले समय में जैसे भी अगर पेशेंट का स्तर बढ़ता है तो ऑक्सीजन लेवल और भी जो भी बढ़ेंगी जिस तरीके से भी उत्तर नागपुर के लिए तो हम वो मिलकर इसको करेंगे आगे बढ़ाएंगे और बेहतरीन इलाज यहाँ से हम जिस तरीके से अभी ये क्वारंटाइन सेंटर है इसे कोविड केयर सेंटर में तब्दीली करने की बात हम माननीय पालक मंत्री से करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल शेख है, मैं शाहीनबाग कमेटी से जुड़ा हुआ जी। बताइए आप अपने इस्लामिक कल्चर सेंटर पे डॉक्टर नितिन राउत के सहयोग से संकल्प फाउंडेशन और नागपुर शाहीनबाग कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में ये क्वारंटाइन सेंटर शुरू किया गया। लोगों की शुरुआत में ये राय थी कि भाई ये क्वारंटाइन सेंटर खुलने से किसी को क्या फ़ायदा होगा, यहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है या ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो धीरे धीरे करके यहाँ पे ऑक्सीजन का भी हम उपलब्धता कराने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को यह मैसेज देना चाहूँगा क्योंकि हम उत्तर नागपुर में टेका आसीनगर क्षेत्र में यहाँ मौजूद है, हमारे आसपास के ऐसे कई स्लम इलाके जहाँ पे बहुत बिलो पॉवर्टी लाइन लोग रहते गरीब स्तर के लोग रहते जो प्राइमरी हेल्थ जो सर्विस लेने में सक्षम नहीं है, तो उनके लिए हमने यहाँ पे
इंशाल्लाह कल से ओपीडी का भी इंतज़ाम किया है, मतलब कि लोग जो क्वारंटाइन नहीं होना चाहते हो, जो पॉजिटिव है और जो चाहते हैं होम क्वारंटाइन हो और उनके घर में रिसोर्सेस अवेलेबल है कि वो घर में होम क्वारंटाइन हो, तो उनके लिए, उन लोगों के लिए हमने कल यहाँ से मेडिकल फैसिलिटी के साथ साथ मेडिसिन की भी फैसिलिटी यहाँ उपलब्ध की है। जी हाँ, मेडिसिन की फैसिलिटी लाइक कि हमारे पास डॉक्टर्स की यहाँ रिसोर्सेज 24/7 अवेलेबल है। यहाँ 16 डॉक्टर सिस्टर्स एंड नर्स का स्टाफ 24/7 यहाँ अवेलेबल रहता है। तो ओपीडी का सिस्टम शुरू होगा, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको बाहर से दवा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो ज़रूरतमंद है उसको संकल्प फाउंडेशन और नागपुर शाइनबाग संस्था की तरफ से मेडिसिन भी प्रोवाइड की जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बासी साहब, आप ये बताइए कि यहाँ पर जो समझना सुविधा आपने जो सब बताए और यहाँ पर ओपीडी भी का भी समझना जो बता रहे भाई कि यहाँ पर ओपनिंग होंगी जल्दी से जल्द, तो यहाँ पर जो इलाज के लिए पेशेंट आएंगे तो उनसे क्या कोई चार्ज लिया जाएगा क्या? नहीं, पेशेंट लोगों से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ चार्ज उनको सेवाएं दी जाएगी। हाँ ठीक है। और इरशाद भाई, आप बताइए कि जैसा आपने पांचपौली कोविड सेंटर के अंदर वहाँ पर भी आपकी हम जो मेहनत दिख रहे हैं, रात और दिन बहुत मेहनत कर रहे हैं आप वहाँ पर भी, तो वहाँ पर भी फ्री ऑफ जो मतलब कॉस्ट वहाँ पर भी पेशेंटों का इलाज हो रहा है, तो जैसा अभी बासी साहब ने भी बताया कि यहाँ पर भी किसी से मतलब कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, तो आप क्या इस बारे में आपकी और राय क्या राय? पांचपौली कोविड सेंटर जो है वो जमाते इस्लामी हिंद और एनएमसी की तरफ से खोला गया है, जिसमें जमाते इस्लामी हिंद भी बहुत अच्छा काम कर रही है, एनएमसी के डॉक्टर्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसी तरीके से जो ये कोविड सेंटर खोला गया है ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैं एक चीज़ नागपुर से आपके तत्काल न्यूज़ चैनल के माध्यम से नागपुर की जनता को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, क्या देखिए अभी जो वक्त है, अभी कोरोना से डरने का वक्त नहीं है, कहीं ना कहीं कोरोना अपनी जगह ठीक हो रहा है। कई डॉक्टर्स हमको बता रहे हैं, कई हॉस्पिटल से हमको ये मैसेज आ रहा है कि जो पेशेंट एडमिट है, कई पेशेंट डिस्चार्ज हो रहे हैं, कई पेशेंट को छुट्टियां मिल रही है, और हम उसके डरे ना, हम उसका डट के सामना करें, क्योंकि कोरोना एक डर पे हावी है और कोरोना को हराने के लिए हमको कहीं ना कहीं हिम्मत का भी सामना करना पड़ेगा। और हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छी खिदमत कर रहे हैं और बाकी जो हर पार्टियों के नेता, हर पार्टियों के वर्कर आज इस कोरोना महामारी के इसमें फाइट योद्धा का काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं ये भी बोलना चाहूँगा, जैसा अभी हमारे एक मोइन भाई ने बोले, महानगर पालिका के जो नगर सेवक है, हर पार्टी के नगर सेवक इसमें काम कर रहे हैं, मगर मैं एक संदेश उनको ये देना चाहूँगा, महानगर पालिका के जो नगर सेवक है ये अपने प्रभाग में, अपने वार्ड में जो डेटा महानगर पालिका के पास में है कोविड में, कम से कम अपने एरिया को सैनिटाइज करें। अगर हम एरिया को नहीं कर पा रहे तो कम से कम उस पेशेंट के घर में तो हम सैनिटाइज करें, जिससे दूसरे को महामारी फैलने का खतरा ना हो। मतलब पेशेंट कौन जो मतलब घर पे है, जो ऐसे पेशेंट हो घर पे, ऐसे भी पेशेंट हो जो डेटा जो कोरोना से अच्छा होके गया है, उनकी परिवार को भी कहीं ना कहीं ये बीमारी को फैलने का डर है, तो ऐसे भी हमें ध्यान रखना चाहिए क्या कोरोना पेशेंट के घर में हम सैनिटाइज करें महानगर पालिका की तरफ से। शाह साहब, जो होम क्वारंटाइन है तो ऐसे पेशेंटों के घर के आजू बाजू में ऐसे पेशेंट के घर को वहाँ पर भी तो मतलब वो भी बहुत जरूरी है। इसीलिए अगर महानगर पालिका के नगर सेवक अपने अपने पार्टियों के तरफ से अपने वार्ड में, अपने प्रभाग में अगर सैनिटाइज करते हैं तो ये दोनों तरफ कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ अभी जो हम लोगों ने आपको, हमारी शाइनबाग कमेटी ने संकल्प में जो आपको अभी नीचे का बताई, मैं तत्काल न्यूज चैनल के माध्यम से जो लेडीज के लिए ऊपर में जो सुविधा कराई गई है ये भी आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। इरशाद साहब, अभी ये बताइए कि यहाँ पर अभी पेशेंट आना शुरू हुए? पेशेंट आना शुरू है, 5 का जो स्कोर है वो पेशेंट को यहाँ रख रहे हैं, कुछ पेशेंट रिलीफ होके गए हैं और जिनका स्कोर 10 है या 10 के ऊपर है तो हम यहाँ से रिफर कर रहे हैं पांचवाली या पांचवाली से कई और। तो कितने पेशेंट आए अभी तक यहाँ पे? अभी 3-4 पेशेंट आए हैं। 3-4 पेशेंट कितने दिन में? ये समझो कल से आना चालू हुए, कल से आना शुरू हुए। तो इन्हें आपकी ये कोशिश है कि आप ये कोविड सेंटर के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मालूमात दें, ताकि यहाँ पर जो गरीब तबके के लोग हैं वो आके यहाँ पर भरपूर इस चीज का फायदा। आपके चैनल के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले और यहाँ पे उत्तर नागपुर के ही नहीं, नागपुर शहर के किसी भी पेशेंट के लिए ये वेलकम है। और यहाँ पर क्या क्या सुविधा है? ये अपन क्वारंटाइन सेंटर करके इसको डेवलप किया हुआ है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो पॉजिटिव आ जाता है, अगर वो कोविड पॉजिटिव अगर घर में ही रहेगा उसके साथ उसकी पूरी फैमिली पॉजिटिव होगी, हम ये चाहते हैं कि वो अगर यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में आकर रहेगा तो उसकी फैमिली सेफ रह पाएगी। तो क्वारंटाइन सेंटर में जो एडमिट होंगे, हमने इसमें क्राइटेरिया ये रखा हुआ है कि सिटी स्कोर जो है वो कम से कम 5 होना चाहिए, 5 के ऊपर अगर रहेगा तो क्वारंटाइन सेंटर में थोड़ा दिक्कत जाएगी। अगर उनका ऑक्सीजन लेवल जो है वो 95 के आसपास होना चाहिए, और तो यहाँ पे एडमिट होंगे क्वारंटाइन सेंटर में तो उनके रहने की, उनके खाने की, उनके मेडिसिन की पूरी व्यवस्था की गई है। बातचीत कर रहा था, आप ये बताइए कि यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर के अंदर जैसा आपकी शाइनबाग कमेटी भी जुड़ी है, तो यहाँ पर आपने जो मुस्लिम लोगों के लिए, जैसे जो लेडीज है
तो उनके लिए भी यहाँ पर क्या सुविधा है आप ये बता सकते हैं? यहाँ पे मुस्लिम लेडीज और अदर मुस्लिम लेडीज सबकी लिए सुविधा है, महफूल सुविधा है। और आज से एक साल पहले शाइन गर्ल कमेटी का जो है बयान अमल में आया था यहाँ की एन पी आर सी को लेकर, तो उससे एक साल का जो आज हादसा गुजरा है तो शाइन गर्ल कमेटी कभी फॉर्म नहीं गई, समाज सेवा में जुड़ती रही। शाइन गर्ल कमेटी की अपनी एक एम्बुलेंस हुई है जो एक साल से जो है पॉजिटिव डेथ बॉडियों का अंतिम संस्कार वगैरह चाहे वो जिस धर्म की भी डेथ बॉडी है उसके धर्म के मुताबिक उसका अंतिम संस्कार करती है। उसके अलावा ऑक्सीजन वगैरह किसी गरीब को लग रहा है और वो मतलब ऑक्सीजन खरीद नहीं पा रहा है तो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। उसके बाद में हमको ऐसा लगा कि हमारा जो एरिया है इस एरिया में क्वारंटीन सेंटर होना चाहिए, लोगों के घर बहुत छोटे छोटे हैं, एक शख्स अगर पॉजिटिव हो जाता है तो पूरे घर को संक्रमित करता है, तो उसके लिए संकल्प जो समाज सेवी संस्था है उनके साथ में मिलकर के शाइन गर्ल कमेटी ने इसके लिए जद्दोजहद की और माननीय नितिन राउत जी उनके सहयोग से और संकल्प के सहयोग से और शाइन गर्ल कमेटी के सहयोग से ये क्वारंटीन सेंटर कायम किया गया है। जनाब इरशाद शेख साहब, जो हादसा हुआ था जो बच्चे वहाँ डूबती मरी थी, वो जो ब्रिज बन रहा था वो लेट लेती थी, बहुत काम हुआ वहाँ पर, तो इरशाद शेख के मतलब जो जितना इन्होंने कोशिश की वहाँ काम को जल्द से जल्द अंजाम देने का और वहाँ पर जो कचरा पड़ा है, पानी का वहाँ पर प्लांट पड़ा है, ये सारी की चीज़ों के लिए इन्होंने बहुत कोशिश की है और माशाल्लाह मतलब इनकी कोशिश कामयाब भी रही। आप जानते हैं इरशाद शेख साहब से कि यहाँ पर जो कोविड का समय जो कोविड वार्ड यहाँ पर खोला गया है तो यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी है और बेड कितने हैं? जय हिंद दोस्तों, मैं इरशाद शेख। जैसा कि अभी हमारे साथियों ने आपको बताया कि जो क्वारंटाइन सेंटर है ये नागपुर शहर के उत्तर नागपुर आसीनगर टेका में खोला गया है, ये संकल्प और नागपुर शाइन बाग कमेटी की ओर से और माननीय नितिन जी राउत और कुणाल दादा राउत इनके सहयोग से खोला गया है, जिसमें 70 अभी हमने 70 बेड लगाया है। इन 70 बेड में से 40 बेड नीचे है और 30 बेड ऊपर है, जिसमें लेडीज़ का इंतजाम, कई हमारी ऐसी लेडीज रहती है जो यानी जो जेंट्स रहता है उसके बाजू में थोड़ा सा तकलीफ प्रॉब्लम रहता है, तो इस वजह से हमारी शाइन बाग कमेटी ने 40 बेड नीचे जेंट्स के और 30 बेड ऊपर लेडीज़ के लगाए हैं। और इसमें हम लोगों ने एक क्राइटेरिया रखा है जिसमें से अगर स्कोर 5 है तो ऐसे पेशेंट को क्वारंटाइन हम यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ये क्वारंटाइन सेंटर खोलने का मकसद हम लोगों का ये था, आज नागपुर शहर में जो उत्तर नागपुर एरिया में कई झोपड़पट्टी ऐसी है जिसमें 200, 300, 400, 500 स्क्वायर फीट के मकान है और इन मकान में कम से कम 8 से 10, 6, 7 ऐसे फैमिली रहती है, एक परिवार में 6, 7, 8 ऐसे परिवार में फैमिली है। इसके साथ साथ अगर इन लोगों को अगर कोरोना होता है तो इनके पास में बेड नहीं होते हैं, बेड नहीं होने की वजह से क्वारंटाइन कहाँ करें, तो माननीय नितिन जी राउत और हमारी संकल्प जो कमेटी है, शाइनबाग कमेटी है, इन कमेटी ने ये डिसीजन लिया अगर क्वारंटाइन सेंटर उत्तर नागपुर में खोला जाए और ज़्यादा बेड का खोला जाए तो कहीं ना कहीं ये फैसिलिटीज हम इन लोगों को दे सकते हैं। तो इसके वजह से ये जो आपके सामने आज बेड दिख रहे हैं, हमने बेड की सुविधा उपलब्ध कराई है, दवाइयों की सुविधा उपलब्ध कराई है, डॉक्टर्स की सुविधा उपलब्ध कराई है। क्या ऐसे घर में जो 5, 6, 7 जो परिवार जो है ऐसे सदस्यों को अगर एक को होता है तो दूसरे को भी कहीं ना कहीं खतरा होता है, तो इन लोगों की वजह से हमने आज कोविड सेंटर खोला है, क्वारंटाइन। हम जिले अंसारी साहब, आप बताइए कि जो बाकी साथियों ने जो इरशाद शेख साहब है और अपना शाइन बाग कमेटी के जो सारे साथी है इनकी जो राय है तो आपकी इसके अंदर और क्या रहे कि इसके अंदर और कुछ मतलब हो सकता है, फेरबदल कुछ हो सकता है इसके अंदर? मैं इसके बारे में सबसे पहले तो हमारे माननीय नितिन राउत साहब, पालक मंत्री और आमदार साहब और संकल्प कमेटी और शाइन बाग के तमाम दोस्तों का मैं और तमाम लोगों की कोशिश के कारण जो ये इतना बड़ा क्वारंटाइन सेंटर खोला गया उसके लिए मैं सब तमाम लोगों को धन्यवाद करता हूँ। और इसके अलावा हमारा सबसे बड़ी एक एम रखे है कि हमने क्वारंटाइन सेंटर तो खोला है लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो गरीब इलाका है जहाँ वो दवा खाने के अंदर 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये नहीं खर्चा कर सकता तो वो दवा खाने के लिए क्वारंटाइन सेंटर के अंदर हम इसको दवा खाने में तब्दील करना चाहते हैं। उसके लिए हमारी जो है राउत साहब से और हमारे जाकिर भाई है जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए ये तमाम लोगों से हमारी बातचीत चालू है कि इसके अंदर सिलेंडर वगैरह और जो भी है ऑक्सीजन वगैरह जो भी है उसका इंतजाम करने के लिए हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं और हमारी कोशिश चालू है। इंशाल्लाह 2-4 दिन में ये क्वारंटाइन सेंटर जो है सिर्फ कोविड हॉस्पिटल के रूप में दिखा जाएगा। तो मैं भी लोगों से गुजारिश करूँगा तत्काल न्यूज़ की तरफ से, और घर में ना रहे, डरे ना,
डरने से बीमारी नहीं जाने वाली। आप अगर से हॉस्पिटल आते हैं तो यहाँ पर जो वॉलंटियर है, जो हमारे कार्यकर्ता है, इरशाद शेख साहब है, जलील अंसारी साहब है, शाहीन बाग की जो पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है, तो आप आइए, जुड़िए उनसे। कोविड के पेशेंट है, आप पॉजिटिव हो चुके, आप यहाँ आइए, ये लोगों से कॉन्टेक्ट करिए। हमारी शाहीन बाग की तमाम टीम का, संकल्प की तमाम टीम का, माननीय नितिन जी राउत, कुणाल जी राउत का तहे दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।